हेलो। हाँ बच्चों, तो दिवाली का ब्रेक खत्म हो गया। बोलो बच्चों। चलिए अब बेटा, अपना टॉपिक चल रहा था केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना? तो इसको कंटिन्यू करें। की थी कुछ? बोलो बच्चों, पढ़ाई की थी क्या? चलो अब मैं नया टॉपिक ले रहा हूं बच्चों। रिएक्शन क्यूसेंट क्यू, इसको समझना बच्चों। ये रिएक्शन क्यूसेंट क्यू क्या होता है, ये बात आपको अच्छे से समझनी है, क्योंकि ये चीजें काफी काम आएगी आपके आगे, ठीक है ना? देखो बच्चों, एक बात हूँ, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों, है बेटा, आरसीपी है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया। ऐसा एक ग्राफ बनाया था, देखो याद कीजिए, जिसमें कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, कांस्टेंट हो रही थी। तो देखो ऐसे हो रही थी, हो रही थी बच्चों। क्या है? ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले, क्या ऐसा ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखो बेटा, जैसे ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है, एक बार बताओ बच्चों, यहां ये जो आप बता रहे हो है ना, इस स्टेट को हमने क्या बोला था, याद है क्या? इस स्टेट को क्या बोला था? यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो गई थी बच्चों? कंसंट्रेशन क्या हो गई थी? कांस्टेंट हो गई थी। यहाँ बोलो बच्चों, अपन कह सकते हैं कंसंट्रेशन कांस्टेंट है बच्चों। इस कंडीशन में कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट है। अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो क्या हम एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन, कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है तो क्या हम एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं? बोलो बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू कैन बी डिफाइंड, और उसको हमने क्या नाम दिया था बच्चों, बताओ? उसको हमने नाम दिया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया था क्या? बोलो बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया था क्या? किया था बच्चों, ये सबको पता है, सबको पता है बच्चों। अब एक चीज और सुनो ढंग से, एक बार बताऊं, इस पॉइंट से पहले इसकी कंसंट्रेशन बच्चों लगातार क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और इसकी इंक्रीज हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या ये बात सही है क्या? देखो, इस इक्विलिब्रियम स्टेट से पहले, इक्विलिब्रियम स्टेट से पहले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है बच्चों, और प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है। क्या क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है क्या? बोलो बच्चों। अब ये बताओ, सबसे पहले बताओ, अगर आपको केसी लिखना होता तो आप ऐसा लिखते ना बच्चों, पी अपॉन आर, ऐसा लिखते क्या? केसी अगर लिखना होता तो आप इसका ऐसा लिखते क्या, पी अपॉन आर लिखते? बोलो बच्चों, ऐसे ही लिखते। अब मुझे बताओ, अगर आपने इसको P अपॉन R लिखा है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि क्या इस स्टेज पर मैं इन दोनों का रेशियो नहीं ले सकता क्या, इस स्टेज पर या इस स्टेज पर? बोलो बच्चों, क्या मैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्या मैं उनका रेशियो नहीं ले सकता? ले सकता हूं ना बच्चों, ले सकता हूं, ले सकता हूं। लेकिन अगर मैं यह रेशियो लेता हूं तो क्या उसको मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलूंगा क्या? अगर मैं ये रेशियो लेता हूं तो मैं क्या उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलूंगा क्या? नहीं बोल सकता ना। क्यों नहीं बोल सकता बच्चों, बताओ क्यों नहीं बोल सकता?
अगर मैं ऐसा बोलूं कि जैसे मान लो ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है और ये T3 टाइम है ना बच्चों? तो मुझे बताओ कि देखो T1 टाइम, T2 टाइम और T3 टाइम केसी कैन नॉट बी डिफाइंड। बोलो बच्चों, क्या केसी को डिफाइन कर सकते हैं? क्या केसी को डिफाइन कर सकते हैं? कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ है ना T3 में। तो देखो यहां से मैं T3 को तो हटा देता हूं, ठीक है ना। केसी कैन नॉट बी डिफाइन T1 T2, ठीक है ना, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट, है ना। केसी कैन नॉट बी डिफाइंड बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अब मैं ऐसा बोलूंगा एट T3, है ना, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैन बी डिफाइंड बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज कॉन्स्टेंट। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? पहले ये बात समझ में आई कि कब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं? लेकिन ये कहा था अपन ऐसा कह सकते हैं कि एट एनी टाइम वी कैन डिफाइन रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। बोलो बच्चों, कर सकते हैं ना, है ना। तो देखो ध्यान देना बच्चों, इसका फॉर्मूला भी वैसा ही है, फॉर्मूला वैसा ही है। ये बात समझ में आ रही क्या? देखो क्यूसी का फॉर्मूला वैसा ही है, लेकिन क्यूसी डिफाइन कब होगा? कभी कर सकते हो। और केसी कब डिफाइन होगा? समझ में आ रहा है क्या? देखो बच्चों सुनो, देखो अगर मैं बोलूं, देखो क्यूसी का फॉर्मूला ये बच्चों, केसी का P/R, है ना, और क्यूसी का फॉर्मूला मेरे पास ये बच्चों है बेटा। अब देखिए ये तो कब डिफाइन होगा, है ना बच्चों? ये सिर्फ होगा ओनली एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये जो क्यूसी है कब डिफाइन होगा? एट एनी स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। बोलो बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो बच्चों, देखो बेटा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो ध्यान दीजिए, इस ए से पॉइंट बी, पॉइंट सी से पॉइंट डी, है बच्चों? आप मुझे बताओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी और सी से डी, ए से बी तक बताओ बच्चों कॉन्सेंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो रही है और सी से डी तक कॉन्सेंट्रेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, हो रही है ना बच्चों? ये बात समझ में आ गई, है ना बेटा? तो मुझे एक बात बताओ, ए से बी तक जब तक कॉन्सेंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो रही है ना, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, या सी से डी तक जब तक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट तो डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, लेकिन दोनों का रेशियो तो ले सकता हूं ना कि भैया इस पॉइंट पर इतना ए है इतना बी है, या इतना रिएक्टेंट है इतना प्रोडक्ट है ना। अब मुझे बताओ अगर ये आगे के जो मैंने ये पॉइंट लगाए, इन पॉइंट पर क्या मैं केसी डिफाइन कर सकता हूं? ये जो इतने सारे पॉइंट लगाए मैंने, कर सकता हूं ना बच्चों, आराम से कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं बच्चों बताओ? क्यों कर सकता हूं बताओ? क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, तो हम इसको डिफाइन
कर सकते हैं। समझ आ गया बात? तो बेटा डिफरेंस समझ आया? तो केसी क्यूसी दोनों का एक्सप्रेशन तो एक जैसा है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि भैया केसी डिफाइन होता है सिर्फ और सिर्फ तब जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, और क्यूसी तब डिफाइन होता है जब आप जब करना चाहो किसी भी स्टेज पर कर सकते हो। क्या इतना मामला सबको समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया? तो देखो अपन कह सकते हैं केसी एंड क्यूसी बोथ हैव सिमिलर एक्सप्रेशन, है ना? ठीक है, बोलो बच्चों क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? केसी एंड क्यूसी बोथ हैव सिमिलर एक्सप्रेशन, बट केसी इज डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम स्टेट एंड क्यूसी इज डिफाइंड ओनली एट ओनली क्या क्यूसी कैन बी डिफाइंड एट एनी स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एक बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ इस पॉइंट बी और डी पर, जो बी और डी है या बी और डी के बाद के जितने भी पॉइंट है, तो मुझे बताओ बी और डी के बाद जो भी पॉइंट है, अगर आप यहाँ केसी निकालो और चाहे क्यूसी निकालो, दोनों की वैल्यूज बराबर आएगी या अलग अलग आएगी? बताओ बच्चों, सिमिलर आएगी ना बच्चों, चेक कर लो। देखो बी और डी के बाद, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एक है, तो मुझे एक बार बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? देखो अगर मैं ऐसा बोलना चाहूं, देखिए मेरे पास केसी और क्यूसी, क्या दोनों की वैल्यू बराबर होगी? दोनों की वैल्यू बराबर होगी बच्चों। तो अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इसको बोल सकता हूं बच्चों ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। बोलो बच्चों कई बात सबको समझ में आई? अब देखो बेटा सुनो, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपन। देखिए अगर मैं ये बोलूं, देखो केसी तो कॉन्स्टेंट रहेगा बच्चों, मैंने केसी को तो ऐसे ही बनाया। एक बात बताओ बच्चों, शुरू में केसी जो सॉरी क्यूसी जो होगा वो कम होगा कि नहीं होगा? स्टार्टिंग में क्यूसी कम होगा क्या? बोलो बच्चों स्टार्टिंग में, देखो आप एक बताओ बच्चों, अपन क्या बोलेंगे एट इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन, है ना? देखिए क्यूसी जो आएगा बच्चों एट इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन, है ना, क्यूसी विल बी लेस देन केसी। क्यों? क्योंकि देखो बेटा इनिशियली क्या होता है, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा प्रोडक्ट से, क्या ये बात सही है क्या? अरे बच्चों जब रिएक्शन स्टार्ट करोगे तो रिएक्टेंट ज्यादा होता है, प्रोडक्ट कम होता है ना बच्चों? ये बात समझ में आई आपको? तो मुझे बताओ ये चीज ज्यादा है और ये चीज कम है, कम वैल्यू में अगर ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी ना? बोलो बच्चों वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी ना? अरे बोलो, अब मुझे बताओ एक बात बताओ बच्चों, ये क्यूसी क्या, क्यूसी किस जैसा बनना चाहेगा? क्यूसी किस जैसा बनना चाहेगा? केसी जैसा ना, यानी ये यहां तक पहुंचना चाहेगा। देखो बेटा ये यहां तक पहुंचना, तो ये कैसे पहुंच सकता है बताओ, ये कैसे पहुंच सकता है यहां तक अपनी वैल्यू को बढ़ा के? बोलो बच्चों आप सोचो, आपने कभी देखा होगा ना कि भाई जैसे आप जब छोटे बच्चे थे, है ना, और आप किसी बड़े को देखते थे, आप कहते ना मैं भी इतना बड़ा होऊंगा। तो मुझे बताओ क्यूसी को अगर केसी के बराबर होना है तो क्यूसी की वैल्यू बढ़नी चाहिए। अब मुझे बताओ अगर क्यूसी की वैल्यू हमें बढ़ानी है तो देखो अभी बेटा क्यूसी लेस देन केसी है, है ना, तो क्यूसी की वैल्यू बढ़ सकती है। बताओ बच्चों क्यूसी की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है? प्रोडक्ट बढ़ा दो, प्रोडक्ट अगर बढ़ने लग जाए तो मुझे बताओ अगर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो क्यूसी अपने आप ही बढ़ेगा ना। देखो बच्चों ये बात देखो, क्यूसी का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन आर, पी बढ़ाते जाओ
और आर कम करते जाओ, तो मुझे बताओ रिएक्शन किधर चली, रिएक्शन किधर चली, रिएक्शन फॉरवर्ड चली ना। तो देखो बच्चों क्यूसी जब केसी से कम हो तो कौन सी रिएक्शन हुई, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, होगी कि नहीं होगी, होगी ना बेटा, क्या ये बात सबको समझ में आई। अब मुझे बताओ अचानक से मान लीजिए आपने क्या किया, ध्यान देना, मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम आपका एस्टेब्लिश हो रखा था, ठीक है, और आपने इसमें बाहर से मान लो प्रोडक्ट और मिला दिया एक्स्ट्रा में, हो सकता है ना बच्चों, एस्टेब्लिश हुआ हुआ था और बाहर से आपने प्रोडक्ट मिला दिया, तो बताओ कौन सी चीज इंक्रीज हो जाएगी, बोलो बच्चों, प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो क्यूसी बढ़ेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ तो क्यूसी बढ़ा, तो मुझे बताओ यहां क्यूसी क्या है, केसी से बड़ा है। अब मुझे बताओ क्यूसी इस केसी जैसा बनना चाहेगा, बनना चाहेगा ना, तो इस बार इसको क्या करना है, इस बार इसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, बार इसको क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो क्यूसी डिक्रीज कैसे हो सकता है, क्यूसी डिक्रीज कैसे हो सकता है बच्चों बताओ, किसी को छोटा करना है तो प्रोडक्ट कम करो, प्रोडक्ट कम करो और रिएक्टेंट ज्यादा करो, ये मतलब हुआ ना। अरे बोलो बच्चों, तो आप मुझे बताओ इस बार कौन सी रिएक्शन हुई, बैकवर्ड रिएक्शन हुई, हुई क्या, हुई बच्चों पक्का, क्या समझ में आया आपको सबको। अब देखो बेटा एक काम करो, आप देखो अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह से ले लो, ठीक है, छोड़ दो सब कुछ, एक को केसी बना दो और एक को क्यूसी बना दो, समझ में आ गया, एक को एक पे तो लिख दो केसी लिख दो, ठीक है बच्चों, एक पे लिख दो केसी, ठीक है, और एक पे लिख दो क्यूसी, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक फंडा बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो बेटा ये केसी है और ये क्यूसी है, ठीक है, आप मुझे बताओ इसमें से कौन सी चीज कॉन्स्टेंट है, केसी और क्यूसी में से कौन सी चीज कॉन्स्टेंट है, केसी, केसी का नाम ही क्या बच्चों, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, तो बच्चों ये तो मूव नहीं करेगा ना, ये तो मूव नहीं करेगा ना, ये तो यहीं रहेगा। अभी बताओ ये दोनों बराबर है, अभी ये दोनों बराबर है ना, कौन सी स्टेज है बताओ, ये कौन सी स्टेज है बताओ, इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, ये दिख रही है पक्का। अब देखो बेटा अब इस क्यूसी को मैं इसके पीछे ले गया, पीछे ले गया, तो अभी बताओ कौन छोटा है, अभी छोटा कौन है, क्यूसी छोटा है ना, अब क्यूसी को केसी के बराबर करना है तो मूव कौन करेगा, क्यूसी करेगा या केसी करेगा, कौन करेगा मूव, क्यूसी करेगा ना, ये हाथ आगे जा रहा है, आगे जा रहा है बच्चों, आगे जा रहा है तो कौन सी रिएक्शन हुई, आगे जा रहा है तो कौन सी रिएक्शन हुई, फॉरवर्ड हुई, समझ में आई बात, अरे बोलो बच्चों फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखो मान लो ये आगे चला गया, ये आगे चला गया, अब मुझे इसके बराबर करना है, अब क्या करूं, इसके बराबर करना है केसी के, क्या करूं, इसको पीछे लेके जाऊं, पीछे लेके जाऊं, तो कौन सी रिएक्शन हुई, बोलो बच्चों बैकवर्ड हुई, क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया बच्चों, बोलो सबको क्लियर है, सबको क्लियर है क्या। देखो वापस ये कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, ये इसके पीछे था, अब इसके बराबर लड़ा है तो इसको आगे लेके जाओ, आगे जा रहे हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आगे चला गया इसके बराबर लड़ा है तो पीछे लेके जाऊंगा तो कौन सी रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, आसान है, आ गया बच्चों समझ में, आसान है, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसमें एक सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए मैंने N2
पीएच टू टू एन एच थ्री। ठीक है, अपन ने क्या कर दिया बच्चों, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका क्यूसी तो सॉरी केसी तो ये तो पता ही है, इसको तो क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ये तो जानते हो बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसका क्यूसी लिखना हो तो क्या मैं ये लिखूंगा, क्या मैं ये लिखूंगा, बोलो बच्चों। ठीक है, पक्का? अब देखो बेटा सुनो, अब वन बाय वन समझते चलना, मुझे बताओ मैंने क्या किया बच्चों, एडिशन ऑफ एन टू ऑब्लिक एच टू और बोथ। ठीक है, ये बात हो बच्चों, अगर मैंने एन टू को एच टू को या दोनों को मिलाया तो मुझे बताओ मैंने न्यूमरेटर बढ़ाया या डिनोमिनेटर बढ़ाया, बताओ बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सी चीज बढ़ी, डिनोमिनेटर बढ़ा। तो अब मुझे बताओ डिवाइड ज्यादा से हो रहा ना, डिवाइड ज्यादा से हो रहा बच्चों, डिवाइड ज्यादा से होगा तो क्यूसी की वैल्यू केसी से कम होगी क्या, क्यूसी केसी से कम हो गया। अब बताओ जब क्यूसी केसी से कम हो गया, पीछे चला गया ना, इसको बराबर लाना है, किधर लेके जाऊं बताओ, फॉरवर्ड होगी ना बच्चों, समझ में आया? तो कौन सी रिएक्शन हुई बच्चों बताओ, ये हुई फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर है क्या, क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं करता हूं रिमूवल ऑफ NH3, मैंने NH3 को हटाना शुरू किया, मुझे बताओ इस बार मैंने क्या किया बच्चों, NH3 को हटाना शुरू किया तो न्यूमरेटर फिर कम होने लग गया, बोलो बच्चों, न्यूमरेटर फिर कम होने लग गया तो QC की वैल्यू फिर क्या होगी, बोलो बच्चों, है ना, बोलो QC फिर छोटा हुआ, बोलो बच्चों, कौन सा गियर लगेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लगेगा बच्चों। ठीक है चलो, अब बताओ अगर मैं कहता हूं कि मैंने ये किया एडिशन ऑफ अमोनिया, मान लीजिए मैंने अमोनिया को मिला दिया, अब बताओ अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब जैसे ही मैंने अमोनिया को मिला दिया यूसी की वैल्यू बच्चों केसी से ज्यादा होगी, इस बार क्यूसी केसी से आगे चला गया तो खींच क्या क्या लाना पड़ेगा, उसको पीछे लाना पड़ेगा, तो बोलो बच्चों कौन सी रिएक्शन हुई, बैकवर्ड रिएक्शन हुई। ठीक है, फिर देखिए अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि रिमूवल ऑफ N2 ऑब्लिक H2 और बोथ, मैं N2 को हटाऊं H2 को हटाऊं या दोनों को हटाऊं, तो नीचे से मैंने इसको कम करना शुरू किया तो डिवाइड कम से करोगे, अगेन देखो बच्चों, बोलो ये हो गया, अगेन कौन सी रिएक्शन होने लगी, बैकवर्ड होने लगी। क्या ये कंडीशन सबको समझ में आई, क्या ये कंडीशन सबको समझ में आई? तो मुझे बताओ अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है, अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो बच्चों, अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो ये टेंड कंटिन्यूसली मिलाते जाइए और प्रोडक्ट को रिमूव करते जाइए, सही बात है ना, ये बात है बच्चों। तो देखिए भैया अपन क्या कह सकते हैं, देखिए देखो फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट है ना, रिएक्टेंट should be added continuously and product should be removed
साइमल्टेनियसली। लो बच्चों सही बात है क्या, आपको प्रोडक्ट को लगातार हटाते रहना पड़ेगा और रिएक्टेंट को लगातार क्या करना पड़ेगा बच्चों? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? क्या ये बात सबको समझ में आई? पक्का? ठीक है चलिए, अब एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। मान लो मेरे पास ये है बच्चों, ये मेरे पास, ठीक है बच्चों, इसका क्यूसी का फॉर्मूला मैंने ये लिखा बच्चों, क्यूसी यही आएगा ना, अरे क्यूसी में यही आएगा ना, बेरियम कार्बोनेट और बेरियम ऑक्साइड आएगा क्या? बोलो बच्चों, बेरियम कार्बोनेट एंड बेरियम ऑक्साइड आएगा, आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये सॉलिड है बच्चों, ठीक है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एडिशन ऑफ BaCO3, मैंने BaCO3 को ऐड किया, कुछ फर्क पड़ेगा? BaCO3 को ऐड किया तो रिएक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, फॉरवर्ड बैकवर्ड फर्क पड़ेगा क्या बच्चों? देखो बच्चों, आपने इसको ऐड किया, अब ध्यान देना क्या क्यूसी की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? क्या क्यूसी की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना बच्चों। तो देखो बेटा, अपन क्या बोलेंगे, नो चेंज इन क्यूसी, है ना, नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों, सही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि एडिशन ऑफ CO2, अब बताओ अगर मैंने CO2 को ऐड कर दिया तो क्या होगा? बोलो बच्चों, CO2 के एडिशन से क्यूसी इंक्रीज करेगा, क्यूसी विल इंक्रीज KC, कौन सी रिएक्शन होगी? बैकवर्ड रिएक्शन होगी। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो, अरे बच्चों समझ में आई क्या? सबको क्लियर है? पक्का? पक्का ना? ठीक है बच्चों, चलो अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। देख लीजिए, अभी भी अगर किसी को दिक्कत है तो, अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो बोल जाइए। सॉलिड है बच्चों, तो सॉलिड का हमने क्या बोला था भैया, कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है ना, याद करो। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, अपन आगे जो बात है वो क्या है सुनी, मैं लेता हूं बच्चों मल्टीपल स्टेप इक्विलिब्रियम, मल्टीपल स्टेप इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अब ये मल्टीपल स्टेप इक्विलिब्रियम क्या है, नाम से समझ में आ रहा होगा, मल्टीपल स्टेप का मतलब, बोलो बच्चों क्या मतलब हुआ? When a reaction occurs in more than one step, है ना, कोई भी ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही। अब मेरी बात को सुनना, देखो मान लो जैसे मेरे पास ये A से B है बच्चों, ठीक है, एक तो ये रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने मान लिया कि K1 है, एक ये बच्चों C से D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने मान लिया ये, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका अगर मैं K1 लिखूं और इसका मैं K2 लिखूं, तो K1 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। अब देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूं, जोड़ दूं बच्चों, तो देखो A प्लस C B प्लस D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने बोल दिया K है, तो बोलो बच्चों K क्या आएगा? B और D, और ये क्या आएगा बच्चों? A और C, क्या ये आएगा क्या? बोलो बच्चों ये आएगा। अब मुझे बताओ,
अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो के है ना वो के वन इंटू के टू है, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या देखो बच्चों, पी और ए और बी और सी, ये तो है, ये आया कि नहीं है बच्चों, समझ में आ गया? तो क्या ध्यान रखोगे कि जब भी कोई इक्विलिब्रियम अलग अलग इक्विलिब्रियम को ऐड करने से आ रहा है, तो उस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग इक्विलिब्रियम के जो कांस्टेंट है उनका क्या होगा? सिंपल बोलो बच्चों, क्या क्या होगा उस इक्विलिब्रियम का? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो अलग अलग स्टेप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनका क्या होगा? बोलो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन हो गया बच्चों, हो गया ना? तो अपन ये कह सकते हैं, ये बात समझ में आ गई बेटा? एकदम सिंपल सी बात है। देखो आप इसको, आपने जैसे ये के लिखा तो के ऐसे आया ना, बी डी और ए और सी, है ना बच्चों? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, व्हेन एन इक्विलिब्रियम इज द सम ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम, व्हेन एन इक्विलिब्रियम इज द सम ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फाइनल इक्विलिब्रियम विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेप्स। क्या ये बात सबको समझ आ गई? जब भी कोई इक्विलिब्रियम अलग अलग इक्विलिब्रियम के एडिशन से आ रहा है, तो जो फाइनल आपका आ रहा है ना, उसका क्या करना है बच्चों आपको? वो आपके सब का, जिन जिन को आपने ऐड करने पे लाए हो, उन सब के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या आ गई? जैसे देखो बच्चों, सुनो, सपोज मैं आप ऐसा बोलता हूं, एक बात ध्यान देना, जैसे मेरे पास बच्चों ये H3PO4 है, ठीक है, ये ऐसे गया H2PO4-1। एक बात बताओ बच्चों, ये जो H4 है वो एसिड है ना, H3PO4 एसिड है, जानते हो बच्चों फॉस्फोरिक एसिड। तो एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने लिख दिया के ए, ए मतलब एसिड, है ना? फिर देखो बच्चों सुनो, ये है H2PO4-1, ये देखिए बच्चों, इसका मैंने लिख दिया के ए सेकेंड एच प्लस, और ये हो गया HPO4-2, ठीक है। फिर देखो बच्चों, ये मेरे पास तो मैंने लिख दिया कि ए थर्ड, लिख दिया बच्चों। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, है ना बच्चों, तीनों को एडिशन करने पर क्या मेरे पास ये आएगा? क्या बच्चों बताओ, तीनों के एडिशन करने पर ये आएगा? चेक कर लो, एडिशन करना तो आता है ना। देखो बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो मुझे बताओ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो के है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं के है जो के ए फर्स्ट, के ए सेकंड और के ए थर्ड। बोलो बच्चों, क्या ऐसा बोल सकता हूं? क्या बोलो, चेक कर लो, यही आ रहा है बच्चों। आप अगर इसको चेक करोगे तो यही आएगा। आ गया बच्चों समझ में? बोलो, चलो अब देखो बेटा, अपन बच्चों समझ में आ गया ना सबको? अरे बेटा सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, अब देखिए बेटा सुनिए, अब अपन
बात करते हैं बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले देखिए बच्चों, नंबर वन देखिए, पहला द वे by which a reaction is written, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिस तरीके से अपन रिएक्शन लिख रहे हैं, इसका मतलब समझाता हूं। देखो बेटा, जैसे सपोज मेरे पास ये R to P है ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने ये लिखा बच्चों। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ये कर दिया, देखो P से R लिख दिया और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब मैंने ये लिख दिया बच्चों। अब क्या मैं इन दोनों के बेसिस पर ऐसा कह सकता हूं क्या कि जो K2 है वो 1/K1 है, क्या ये बात सही है क्या बच्चों? K2 जो है वो 1/K1 है, क्या ये बात सबको समझ में आई? आप चेक करो, K1 है P by R और K2 क्या है? R by P। बोलो, आपने रिएक्शन को अगर उल्टा करके लिखा तो K को भी आपने क्या कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया ना। बोलो बच्चों, क्या? अरे आप करते हो ना, जैसे आपको किसी ने दिवाली विश की तो आप वापस उसको विश करते हो, तो क्या करते हो, रेसिप्रोकेट करते हो ना। अरे बोलते हो ना सेम टू यू, रेसिप्रोकेट करते हो, वापस घुमा देते हो। तो जब भी एक बात हो, जब भी आप रिएक्शन को क्या करोगे बच्चों, उल्टी लिखोगे, अपोजिट करोगे, है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, आपका रेसिप्रोकेट हो जाएगा। समझ आ गई बात ये? अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आपको, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, देव किशोर व्यास सीन किए थे मैंने, ऐसे कर रहा है तू, हैं? हाँ भैया, देखिए बच्चों ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, इसको समझाता हूं मैं, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों सुनो, जैसे मेरे पास ये बच्चों ये आर है, ये पी है, ठीक है, इसका आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये लिखा बच्चों, P by R लिखा गया। अब देखो बेटा सुनो, मैंने इस इक्वेशन को ऐसा कर दिया बच्चों, यानी मैंने क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया ना, अरे किया बच्चों मल्टीप्लाइड बाय 2, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ए टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं कि जो K2 है ना वो K1 का स्क्वायर है, क्या ये बात सही है, K2 K1 का स्क्वायर है कि नहीं है? अरे K1 का स्क्वायर कर दूंगा तो K2 आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों, आ जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसी रिएक्शन को मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से, 3/2 रिएक्टेंट एंड 3/2 प्रोडक्ट, ठीक है, इसको मैंने K3 लिख दिया, तो ये 3/2 और ये भी 3/2। अब बताओ बच्चों क्या मैं कह सकता हूं K3 जो है वो इस तरह से हो जाएगा बच्चों? बोलो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? समझ मार है, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो ना वो फैक्टर पावर बन रही है, चेक करो, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर बन गई। अब बताओ, मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा बच्चों, ठीक है, अब बताओ K1
तो क्या रिलेशन होगा, के वन की पावर हाफ आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या, बोलो बच्चों। ये समझ में आया? अब बताओ बच्चों, अगर मान लो मैंने ये लिखा 7/2 R है ना बच्चों, और 7/2 P, है ना। अब बताओ K5 और K1 में क्या रिलेशन आएगा, क्या ये आएगा क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या, बोलो बच्चों। बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपने जिस फैक्टर से है ना मल्टीप्लाई किया रिएक्शन को, उसी फैक्टर को क्या करो आप, उसी फैक्टर को आप पावर बना दो, बना दोगे क्या, बोलो बच्चों। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा, सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से बताना मेरे को। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास है, देखिए ये है 2SO2+O2, मेरे पास है 2SO3, ठीक है बच्चों। इसका K1 है बच्चों 49, ठीक है। तो ये बताओ बच्चों, SO3, SO2 and ½O2, ठीक है। तो इसका K2 क्या होगा बताओ बच्चों, इसका K2 क्या होगा? तो देखो बच्चों, आपने क्या किया, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक तो आपने रिएक्शन को रिवर्स किया है, रिवर्स किया ना, रिएक्शन को रिवर्स किया है क्या, उल्टा किया है क्या बच्चों, किया है ना, दिख रहा है क्या आपको, है ना। तो एक तो आपने देखो बच्चों रिएक्शन को रिवर्स किया, तो 1/K1, और किस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया चेक करो, 1/2 से। तो ये तो अब देखो बेटा, ये आ गया, ये आ गया बच्चों, क्या आ जाएगा, 1/7 आ गया। क्लियर है क्या, बोलो बच्चों, ये समझ में आया? अरे समझ में आ गया, ठीक है। अब बताओ बच्चों, मेरे पास जैसे बच्चों ये है ए से बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मान लो 5, ठीक है। बी से सी, ये बोल दिया मैंने, ठीक है। सी से डी, क्या मैंने बोल दिया, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप मुझे बताओ, डी से ए का जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा बताओ बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए बच्चों। वेरी गुड। देखो सबसे पहले आप बताओ, अगर मैं इन सब का एडिशन कर देता हूं, सबका एडिशन करने पर क्या आएगा बोलो बच्चों, अगर मैं एडिशन करता हूं तो क्या मेरे पास ये आ जाएगा क्या, बोलो बोलो बच्चों, अगर मैं इन सब का एडिशन करूं तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ, इसका जो K होगा वो होगा K1 × K2 × K3, है ना बच्चों, 5 × 10 × 2, ये आया 100। ये तो A से D आया है, पूछा किसका है, अरे पूछा किसका आपसे, बोलो बच्चों, पूछा किसका है, D to A। तो D to A का क्या होगा बच्चों बताओ, इसका हो जाएगा 1/100, ये आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा क्या, बोलो बेटा। तो हम क्या लिख रहे हैं, बाय एडिशन ऑफ अबव होल इक्विलिब्रियम, क्या ये समझ आया बच्चों, क्या ये पिक्चर सबके क्लियर हुई क्या, ये पिक्चर सबको समझ में आई बेटा। इन इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए से डी आ जाएगा मेरे पास, ए से डी आया और मुझे डी से पूछा है, तो मैं
पूछ सकता हूँ, है ना। अब देखो बेटा सुनो, देखो नीट में एक बार क्या क्वेश्चन आया था, सुनी, ये आया था बच्चों, N2 PH2 2NH3, है ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, ठीक है बच्चों। फिर देखिए N2 + O2, ठीक है, ये 2NO, ये है K2, ठीक है बच्चों। फिर देखो H2 ½ O2, ये हो गया H2, ठीक है, इसका K3 है। इन तीनों के बेसिस पर, ये जो तीनों आपको दिया हुआ है, इस बेसिस के ऊपर आप, है ना, इस वाली इक्वेशन का इसका के आपको बताना है, है ना, के इन टर्म्स ऑफ K1 K2 एंड K3, ठीक है ना, इनके टर्म्स में आपको बताना है बच्चों, बताओ। तो कैसे करेंगे, अब इसको समझो। देखो आपको तीन इक्विलिब्रियम दिए हैं बच्चों, तीन इक्विलिब्रियम दिए हुए हैं, और इन तीनों इक्विलिब्रियम से एक फाइनल इक्विलिब्रियम लाना है। कैसे लाएंगे, सबसे पहले बताओ बच्चों, फाइनल इक्विलिब्रियम में अमोनिया किस साइड है, फाइनल में अमोनिया किस साइड है, रिएक्टेंट साइड है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट है ना, उसको रिवर्स कर दूं क्या बच्चों, फर्स्ट इक्विलिब्रियम को अगर मैं इस तरह से रिवर्स कर दूं, बोलो बच्चों, कर सकता हूं क्या, अरे इसको रिवर्स कर सकता हूं। अब मुझे बताओ, जब आपने इसको रिवर्स कर दिया, तो अब वो K1 से क्या हो गया, वो K1 से क्या हो गया बच्चों, जब हम रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले का रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 1/C1 हो गया बच्चों। चलिए अब देखो बेटा सुनो, 2NO चाहिए इस साइड और 2NO इसी साइड है, तो देखो बेटा दूसरी वाली इक्वेशन को तो हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है, ठीक है बच्चों, दूसरी वाली इक्वेशन को तो हम ऐसे लिख देंगे, लिख देंगे बच्चों, ठीक है ना, लिख देंगे। अब मुझे बताओ, मुझे वाटर के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, बताओ बच्चों, वाटर के कितने मॉलिक्यूल, 3 चाहिए, और इस गिवन इक्विलिब्रियम में कितने हैं, गिवन इक्विलिब्रियम में कितने, 1 है, तो 1 को 3 करना है, किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 को 3 करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो बच्चों आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 क्या बच्चों ऐसा हो जाएगा क्या। अब मुझे बताओ, जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अब मुझे बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, जिस पावर से मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर क्या हो जाती है बच्चों, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो वो फैक्टर उसकी क्या बन जाती है, अरे क्या बन जाता है वो, पावर लग जाती है ना, तो पावर लगा दो, लगा दिया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इन सब का एडिशन करता हूं, तो देखो एडिशन करने पे देखो क्या होगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है बच्चों, क्या बचा, ये बचा मेरे पास, ये बचा। अब मुझे बताओ, इसका जो के आएगा वो उन सब का मल्टीप्लीकेशन होगा बच्चों, ये होगा कि नहीं होगा, ऊपर वालों का सबका मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं K2 K3 का क्यूब, और ये आ गया बच्चों, क्लियर है क्या। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, AIPMT में, है ना, बोलो बच्चों क्लियर है, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, ठीक है ना, कंफर्म, ओके। चलो बच्चों
तो अभी तक देखो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में दो चीजें पढ़ी है, द वे बाय विच ए रिएक्शन इज रिटन एंड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर ले रहे ना वो बहुत ही काम का बच्चों, इस फैक्टर को बहुत ही ढंग से समझना, ये फैक्टर आपका आगे भी बहुत काम आएगा है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अब बात करेंगे अपन टेम्परेचर की, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर से देखिए कैसे समझेंगे, सुनिए। देखो बेटा टेम्परेचर से समझाने के लिए एक इक्वेशन है बच्चों, लॉग के इक्विलिब्रियम लॉग ए माइनस डेल्टा एच 2.303 आर इंटू 1/T, ठीक है। इस इक्वेशन से अपन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन का डेरिवेशन वैसे तो देखो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका डेरिवेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडाइनेमिक्स, आपको एक चैप्टर है बच्चों थर्मोडाइनेमिक्स है ना, तो उस टाइम इसका डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना बेटा। उस टाइम इसका अपन डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं बच्चों वान ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना बच्चों। तो क्या बोलते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से याद कर लो, ये काम आएगी बच्चों आपकी वांट ऑफ इक्वेशन। अब देखो बेटा इसमें कैसे है इसको समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बेटा मैं लेता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब जान देगा, बोलो बच्चों एंडोथर्मिक का मतलब समझते हैं आप, बताओ। एंडो का मतलब किसी सिस्टम में हीट क्या होगी, एंडोथर्मिक का मतलब सिस्टम में हीट क्या होगी, हीट का एडिशन होगा बच्चों, हीट का एडिशन होगा। तो अपन बोल सकते हैं एंडोथर्मिक का मतलब, देखो बच्चों एडिशन ऑफ हीट, यानी मैं कह सकता हूं डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आई, अगर एडिशन हुआ तो डेल्टा एच अपने आप ही पॉजिटिव आएगा ना। बोलो बच्चों आपके अकाउंट में अगर पैसे अगर एडिशन हुए जो डिफरेंस आएगा वो प्लस में आएगा ना, मान लो पहले 10 रुपए थे, 10 रुपए और ऐड हो गए तो जो डिफरेंस आएगा वो प्लस में आएगा ना। बोलो बच्चों अरे एडिशन हुआ तो बड़ा ही है ना, एडिशन का मतलब ही प्लस है, सिंपल सी बात है, ऐसे याद रख लो आप। अब देखो बेटा अगर मैं इस इक्वेशन में लॉग के इक्विलिब्रियम लॉग ए माइनस और ये मैंने लिख दिया डेल्टा एच 2.303 आर, ये कर दिया मैंने, कर दिया बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, मान लीजिए मुझे एक ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, देखो समझने की कोशिश करना। देखिए मुझे ग्राफ बनाना है लॉग के इक्विलिब्रियम और 1/T के बीच में, ठीक है ना। किस किसके बीच में बनाना है, लॉग के इक्विलिब्रियम और 1/T। तो देखो बच्चों ये वाई एक्सिस पर है और ये एक्स एक्सिस पर है क्या बच्चों, तो मुझे बताओ ये पूरा क्या हो गया, एम हो गया बच्चों और माइनस एम है और ये क्या हो गया, ये सी हो गया। तो ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का। बोलो बच्चों ऐसे ग्राफ आपने बनाए होंगे, तो ऐसा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा क्या बच्चों, बोलो। देखो आपकी स्लोप नेगेटिव में आ रही है तो मतलब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है, अरे बोलो बच्चों। और इंटरसेप्ट आपका प्लस में आ रहा है ना, तो मैंने 0 से ऊपर लिया, क्या ये समझ में आया ग्राफ, अरे बोलो बच्चों ये ग्राफ समझ में आया क्या, आ गया सबको। अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो बेटा जैसे ये एक कोई वैल्यू थी 1/T की, इस पे ये लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आई होगी है ना बच्चों, फिर मैंने क्या किया 1/T की एक दूसरी वैल्यू ली और ये लॉग के इक्विलिब्रियम की फिर और वैल्यू ली, ऐसे किया मैंने। बोलो बच्चों ये बात समझ में आई क्या, तो मुझे बताओ बच्चों जैसे जैसे अपन इधर जा रहे हैं है ना, तो 1/T लगातार क्या हो रहा है,
बोलो बच्चों, 1/T क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है क्या? अरे 1/T की वैल्यू इंक्रीज कर रही है क्या एक्स एक्सिस पर, अगर अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो। देखो बच्चों, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, ठीक है ना, देन वैल्यू ऑफ 1/T बढ़ रही है। एक बात बताओ बच्चों, 1/T अगर बढ़ रहा है इसका मतलब टी की वैल्यू क्या हो रही है, बताओ। 1/T बढ़ने का मतलब टी कम हो रहा है ना। अरे बोलो बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? 1/T बढ़ रहा है तो इसका मतलब टी घट रहा है। अच्छा, टी अगर घट रहा है तो मुझे बताओ, ये देखो ये नीचे की तरफ आया ना। अरे बोलो बच्चों, नीचे की तरफ आया तो बताओ लोग के इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है बच्चों, हो रहा है क्या? तो अब मुझे बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता तो बताओ बच्चों लोग के इक्विलिब्रियम क्या होता, फिर इंक्रीज होता ना। ये बात सही है क्या? ये बात सही है क्या, बोलो। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, टेम्परेचर घटा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है बच्चों। अरे बात सुन आगी। अब देखो बेटा सुनो, मैं बात करता हूं के सेकंड, ठीक है, के सेकंड की बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, रिमूवल ऑफ हीट, ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। बोलो बच्चों, रिमूवल ऑफ हीट या रिलीज ऑफ हीट। अब देखो बेटा सुनो, अब जब आप इस इक्विलिब्रियम में देखो, लॉग के इक्विलिब्रियम, लॉग ए माइनस माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू 1/T, ये हुआ बच्चों। इसको जब आप फाइनली सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू ये आएगी क्या, बोलो बच्चों। अरे समझ में आया। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं ऐसा बोलूं, ठीक है, मुझे वापस ग्राफ बनाना है लॉग के इक्विलिब्रियम और 1/T के बीच में, तो देखो बच्चों ये आ गया वाई एक्सिस पर, ये आ गया एक्स एक्सिस पर, तो इसकी स्लोप क्या होगी बच्चों, ये होगी एम और ये हो गया सी, हो गया बच्चों। आगे बात सुनिए, अब देखो बेटा ये ग्राफ आएगा वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का, तो ऐसा ग्राफ आएगा क्या, बोलो बच्चों, इस तरह का ग्राफ। अरे समझ में आया बच्चों, फिजिक्स में पढ़ा है। देखो अब स्लोप आपकी क्या आ रही है, स्लोप आपकी पॉजिटिव आ रही है, यानी क्या होगा वो लेस देन 90 होगा। अरे होगा क्या, बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है पक्का? अब एक बात हो बच्चों, अब देखिए बेटा सुनिए, अगर मैं ऐसा बोलूं, देखिए सबसे पहले मैंने ये 1/T देखा, इस पे ये वैल्यू है, ठीक है, फिर मैंने ये देखा, इस पे ये वैल्यू है। आप एक बात हो बच्चों, 1/T की वैल्यू बढ़ रही है ना, 1/T की वैल्यू बढ़ रही है और ऊपर जा रहे हो आप, ऊपर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो मुझे बताओ अगर मैं 1/T को बढ़ा रहा हूं तो टी को घटा रहा हूं, टी को मैं घटा रहा हूं ना, लेकिन लॉग के इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। बोलो बच्चों, लॉग के इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्या ये बात समझ में आई? तो अब मुझे बताओ अगर मैं टी को इंक्रीज कर दूं, है ना बच्चों, टी को इंक्रीज कर दूं तो लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या ये बात समझ में आएगी? अरे बोलो बच्चों, समझ में आएगी। तो एक बात बताओ बच्चों, देखो अगर
आपने इसको ध्यान से देखा हो तो देखो बेटा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना बेटा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर देखो बच्चों सुनो, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बोलो बच्चों ये इक्विलिब्रियम कम हो रहा है, क्या ये बात सही है क्या? देखो इसको आप ऐसे याद रखो, आप मुझे बताओ एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है बच्चों, एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, अरे एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू प्लस है। अब मुझे बताओ कोई चीज प्लस होती है उसका मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, प्लस का मतलब तो इंक्रीज होना ही है और माइनस का मतलब डिक्रीज होना है, क्या ये ग्राफ होना है? अब देखो इन ग्राफ को भी याद रखना बहुत सिंपल है, मुझे बताओ देखो बच्चों एंडोथर्मिक में तो ग्राफ नीचे जा रहा है ना बच्चों, बोलो बेटा एंडोथर्मिक में ग्राफ नीचे जा रहा है क्या, बोलो बच्चों नीचे जा रहा है ना, और एक्सोथर्मिक में ग्राफ कहां जा रहा है बच्चों, ऊपर जा रहा है, पक्का ये बात सुनाई, डाउनवर्ड अपवर्ड। अब मुझे बताओ आप जब किसी चीज में कोई एक्स्ट्रा चीज एडिशन करते हो तो वो चीज हल्की होगी या भारी होगी, बताओ बच्चों, जब आप किसी में कोई चीज ऐड करोगे तो वो हल्की होगी या भारी होगी, भारी होगी ना, हैवी होगी। भाई जैसे सपोज ये मेरे पास एक मान लीजिए एक पेन है, इसमें मैंने इंक डाली, वो हैवी हुआ या लाइट हुआ, बोलो बच्चों जब आप कुछ ऐड करोगे तो हैवी होगा, हैवी चीज हमेशा कहाँ जाती है, हैवी चीज हमेशा कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड या अपवर्ड, नीचे जाएगी ना, हैवी चीज हमेशा नीचे जाएगी, ओके। अच्छा एक्सोथर्मिक में आपने क्या किया, एक्सोथर्मिक में आपने क्या किया बच्चों बताओ, एक्सोथर्मिक में आपने हटाया है, हटाया है। अब मुझे बताओ जब आप किसी में से कोई चीज निकाल लेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, वो लाइटर हो जाएगी या हैवियर हो जाएगी, हल्की हो जाएगी या भारी, हल्की हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी, और लाइटर चीज हमेशा कहां जाती है, लाइटर चीज हल्की चीज हमेशा कहां जाती है, ऊपर जाती है। अब बताओ ये ग्राफ कहां जा रहा है, ग्राफ कहां जा रहा है बच्चों, ऊपर जा रहा है ना, याद रह जाएगा ये लॉजिक, याद रह जाएगा बच्चों, मैंने कैसे बताया आपको, बोलो ठीक है। चलो बच्चों अब देखो बेटा सुनो, मैं एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो ये किसी जमाने में एम्स का अलग पेपर होता था ना, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है, तो ये कहता है कि इसका आपको ग्राफ बनाना है बच्चों लोग PCO2 वर्सेस 1/T के बीच, है ना, तो मुझे बताओ बच्चों ये PCO2 का बनाना है ना, बोलो बच्चों ये PCO2 बनाना है, तो प्रेशर ऑफ CO2 की बात कर रहे हो, तो मुझे बताओ प्रेशर की फॉर्म में कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे आप, बताओ बच्चों प्रेशर की फॉर्म में कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे, याद है क्या, केपी, केपी लिखते थे बच्चों, लिखते थे, क्या मैं केपी को ऐसा लिख सकता हूं PCO2, बोलो बच्चों क्या मैं केपी को PCO2 लिख सकता हूं। अब देखो बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले ये इक्वेशन पढ़ी है, लॉग के इक्विलिब्रियम, लॉग ए माइनस डेल्टा एच 2.303 R 1/T। अब मुझे बताओ इस के इक्विलिब्रियम की जगह मैं केपी लिख सकता हूं बच्चों, के इक्विलिब्रियम का अलग अलग टाइप पढ़ाए थे ना, केपी केसी केएक्स पढ़ाए थे बच्चों मैंने आप लोगों को, याद करो, ठीक है ना बेटा। अब मुझे बताओ ये केपी किसके इक्वल है, ये केपी क्या PCO2 के इक्वल है क्या, क्या केपी PCO2 के इक्वल है क्या, बोलो, अरे केपी की जगह PCO2 लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ बच्चों
ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, कौन बताएगा? ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, बताओ बच्चों। ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, क्यों, कैसे पता लगा बच्चों? देखो बहुत ही सिंपल सी बात बताई थी, जब आप किसी को तोड़ते हो, तोड़ रहे हो ना, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हो बच्चों, तोड़ते हैं तो हीट देते हैं, है ना बच्चों? तो ये रिएक्शन डीकम्पोजिशन है, चेक कीजिए। तो अब देखो बेटा सुनो, मैं बोलूंगा कि यहां पर आप ये बोलोगे कि अबव रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक में ग्राफ नीचे जाता है ऊपर जाता है, बताओ? एंडोथर्मिक में आपने डेल्टा एच प्लस बोला है ना, तो चीज भारी हो गई, हैवी चीज नीचे आएगी बच्चों। तो देखो ग्राफ कैसा बन जाएगा बच्चों, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या बोलो बच्चों? तो अब देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, लोग पी सी ओ टू वर्सेस 1/T के बीच, बोलो क्लियर है क्या, क्या ये बात सही है क्या, बोलो आ गया बच्चों समझ में? चलिए अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखो मुझे इस तरह से दे रखा है ये, ठीक है, ये बोल रखा है कि ये वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है, और लोग के इक्विलिब्रियम और 1/T, ये कहता है कि बताओ बच्चों वैल्यू ऑफ डेल्टा एच है ना, और वो डेल्टा एच की वैल्यू बतानी है इन कैलोरी, ये बताना है बच्चों। तो एक बार बताऊं, सबसे पहले हमारी जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो ये है ना बच्चों, लोग के इक्विलिब्रियम लोग ए माइनस डेल्टा एच 2.303 R 1/T, ये बच्चों है ना बच्चों, बोलो। अब मुझे बताओ, अब मैं कह सकता हूं कि जो स्लोप है वो क्या बच्चों, माइनस डेल्टा एच 2.303 R, और स्लोप होगी क्या बच्चों 1045, बोलो बच्चों क्या मैंने सही लिखा है? अरे बोलो बच्चों सही लिखा है क्या? ठीक है, यहां से देखो बच्चों क्या कह सकता हूं, डेल्टा एच आ जाएगा माइनस 2.303 R × 1, 1045 की वैल्यू क्या होती है बोलो बच्चों, 1045 की वैल्यू 1, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा देखो माइनस 2.303 है ना। अच्छा आर की वैल्यू कैलोरी में क्या होती है बच्चों, 2 होती है ना, आर की वैल्यू कैलोरी में 2 होती है, तो बोलो बच्चों ये आंसर आ गया कैलोरी के अंदर, क्या समझ में आया? अरे बोलो बच्चों समझ में आया क्या? ठीक है, अच्छा अगला बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं, मेरे पास मान लीजिए कुछ इस तरह से, देखिए अगर मैं इस तरह से समझने की कोशिश करें कैसे नहीं आता, ठीक है, ये मुझे 135 डिग्री, ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम हेलो, हाँ बेटा बताओ वैल्यू ऑफ डेल्टा एच बताइए, किसके आगे माइनस भव्या, किसके आगे माइनस, क्यों, जो बेसिक इक्वेशन है वो यूज लो ना, अरे बेसिक इक्वेशन यूज लो, पर्टिकुलर एंडो एक्सो के लिए मत लो, आपको जो फाइन जो मैंने ये इक्वेशन लिखा है उसी को यूज लो,
क्योंकि अगर आपने वहां माइनस लगा दिया तो आंसर प्लस में आ जाएगा फिर, समझ में आएगी बात। फंडामेंटल इक्वेशन को यूज करके ही निकालना है। अब देखो बेटा सुनो, इसमें क्या आ जाएगा, अगेन बोलो बच्चों, स्लोप वही है माइनस डेल्टा एच 2.303 आर। क्या करेंगे इसको, देखो हम लिखेंगे 10 135, ये लिखेंगे बच्चों। अब मुझे बताओ 10 135 की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डेल्टा एच आ जाएगा 2.302 कैलोरी, ये प्लस में आ गया। अब देखो बेटा, स्लोप के जब भी क्वेश्चन करने हो ना आपको, एक बात ध्यान सुन लेना, आप स्लोप के क्वेश्चन हमेशा इस जो आपकी फंडामेंटल इक्वेशन है ना, इसी से सोल्व करना, समझ आ गई बात। अरे बात समझ में आ गई। मान लीजिए किसी ने एंडोथर्मिक में या एक्सोथर्मिक में, जैसे देखो ये जो हमने पहला किया था, ये दिख रहा है आपको पहले वाला क्वेश्चन 45 वाला, ये सबको पता है एक्सोथर्मिक है ना, और किसी ने स्लोप के आगे पहले से डेल्टा एच कर दिया तो पंगा हो जाएगा ना। अरे फिर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आने लग जाएगी ना। बोलो बच्चों ये बात समझ में आ गई, वो तो हमने चेंज किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो फंडामेंटल इक्वेशन से सोल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट सही आ रहा है ना, देखो आप। अरे फाइनल रिजल्ट सही आ रहा है ना, पहली वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है देखो माइनस में आ रहा है, और दूसरी वाली एंडोथर्मिक है देखो प्लस में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना है कि ऑलवेज यूज बेसिक इक्वेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ स्लोप प्रॉब्लम। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? देखो अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन में, उसको लगता है कि इसकी स्लोप जो है ना, अरे बच्चों ये बात समझ में आ गई ना, क्योंकि आप में से कोई बच्चा हो सकता है इसको प्लस कर दे, और प्लस करते आंसर पॉजिटिव आने लग जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अरे बोलो बच्चों, ठीक है। तो बेटा इतना पढ़ना, ठीक है ना, बाकी अपन कल।